देखिए इस तरीके से ब्लिंक करेगा, इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी होगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बाइक इंडिकेटर के लिए फ्लैशर। तो वैसे तो मार्केट में बहुत से फ्लैशर है, पर उसमें हम लाइट ब्लिंकिंग की स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो वही दिक्कत को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा फ्लैशर सर्किट बनाएंगे जो हम लाइट ब्लिंकिंग की स्पीड कम ज़्यादा भी कर पाएंगे। तो एकदम कम कंपोनेंट में इसे किस तरीके से बनाना है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं देखिए। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर आईसी का यूज़ करने वाले हैं, जो 555555 की यहाँ पर जो है टाइमर आईसी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये एक आईसी यूज़ होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक डायोड हो चुका है 4007, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम एक मोसफेट ले लेंगे, तो देखिए IRF44N, ठीक है। तो ये एक मोसफेट ले लेंगे, और एक कैपेसिटर लेंगे यहाँ पे हम 10UF50V का कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक ले लेंगे। अभी हम लेंगे यहाँ पे जो ब्लिंकिंग की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, यहाँ पे हम 100K का यहाँ पे एक प्रीसेट ले लेंगे, ठीक है। और एक कैपेसिटर लेंगे हम 1025V का यहाँ पे कैपेसिटर ले लेंगे, ठीक है। तो इतने से कंपोनेंट है यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम ये आईसी लेंगे, आईसी पे हम एक जंपर सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 8 नंबर पर एक जंपर लगाएंगे, और 2 और 6 नंबर पर एक जंपर लगाएंगे। तो उसे मैं इस तरीके से यहाँ पर मैं जंपर लगा दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 और 8 नंबर पर एक लग चुका है, और यहाँ पे 6 और 2 नंबर पर एक लग चुका है। तो अभी हम इसे कैपेसिटर लगाएंगे, जो बड़ा कैपेसिटर है वो लगाएंगे हम। तो इसका जो है इस तरीके से है, तो इसका जो 8 नंबर पे है यहाँ पे हम और पॉजिटिव लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से लग चुका है कैपेसिटर। अभी हम यहाँ पे 10UF50V का कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ रखेंगे 1 नंबर पर। तो ये यहाँ पे इस तरीके से 10UF50V का लग चुका है यहाँ पे। अभी हम लगाना है यहाँ पे मोसफेट। मोसफेट लगाने के लिए यहाँ पे मैं जो ड्रेन का है, ड्रेन का फोल्ड कर रहता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो ड्रेन की पिन है ऊपर फोल्ड किया है, तो इसे मैं इस तरीके से लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर और 1 नंबर पर लगेगा ये इस तरीके से। तो कैपेसिटर को थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये लग चुका है यहाँ पे। अभी हम इसे डायोड लगाएंगे। डायोड लगाने के लिए जो पॉजिटिव है यहाँ पे लगाएंगे, जो वाइट पट्टा होता है, जो डायोड का वाइट पट्टा होता है, यहाँ पे 4 नंबर पर लगाएंगे हम। तो इस तरीके से, तो मैं इसे लगा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हो चुका है यहाँ पे। अभी हम इसे प्रीसेट लगाएंगे। तो प्रीसेट लगाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे वायर लगाया है। तो इसका जो मिडल का वायर है दोनों के बीच में लिया है इस तरीके से। तो मैं इसे यहाँ पे 6, 7, 8 पर लगाऊँगा। तो ब्लिंकिंग की स्पीड करने के लिए यहाँ पे जो है प्रीसेट काम होगा। तो इसे मैं निकाल देता हूँ। पूरे कंपोनेंट इसे लग चुके हैं यहाँ पे। तो डेटा शीट देखिए किस तरीके से है। तो इस तरीके से हमने डेटा शीट बनाया है, और इस डेटा शीट में देखिए समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर लाइट सीरीज में लगाते हैं, तो ये जो है मोसफेट ओपन है, मतलब ये इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने की वजह से यहाँ पर जो है पावर इसमें साइकिल पूरा करेगा, और ये टाइमर आईसी को पावर मिलेगी। मिलते के साथ साथ ये कैपेसिटर भी चार्ज होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आईसी ऑपरेट होगी। आईसी का जो है 3 नंबर से आउटपुट आएगा, और ये गेट पर सिग्नल देगा, इसे शॉर्ट करेगा। तो ये जो लाइट का है ये शॉर्ट कर देगा। ये शॉर्ट करते ही इसे पावर मिलना बंद हो जाएगी, तब ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसे फिर से ऑन करेगा, ठीक है। तो ऑन करके इसे ऑफ करते ही ये जो है फिर से ये पावर अंदर लेना चालू करेगा, और इसे फिर से ऑन करेगा तो ये ऑफ करेगा। फिर ऐसी इस तरीके से ये जो है हमारा साइकिल चलते रहेगी। तो इस तरीके से हमारा डेटा शीट है।
तो इसे बाजू रख देता हूँ। अब इसे हम वायर लगाएंगे। तो वायर लगाने के लिए जो ड्रेन पर एक वायर लगेगा और इसे ग्राउंड पर एक वायर लगेगा, तो उसके सिर्फ दो वायर पे ये सर्किट चलने वाला है। तो देखिए इतने से कंपोनेंट थे और यहाँ पे जो है अभी हम इसमें टेस्ट करेंगे। तो इस पर एलईडी भी अच्छे से वर्क करेगा और इस तरीके से सादा लाइट भी इसमें अच्छे से वर्क करेगा, तो इसे हम टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ सीरीज में और ये रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। तो देखिए इस तरीके से ब्लिंक करेगा, इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी होगी। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो रही है स्पीड और यहाँ पे कम होगी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लैशर बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।